गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल थ्योरम नंबर 10.2। उसका स्टेटमेंट है, इफ़ द एंगल्स सब्सटेंडेड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड आर इक्वल्स। बराबर, कोड के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनाया जा रहा है वो इक्वल है तो कोड भी इक्वल होगा। बराबर, ये बात इसमें हमें प्रूव करना है। और थ्योरम 10.1 में हमने क्या करा था, थ्योरम 10.1 में हमने सब बोला था कि कोड इक्वल है तो इस पर जो कोड इक्वल है तो ये जो एंगल्स बन रहे वो भी इक्वल होंगे, ये हमें बताना था। बराबर, और यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पे बोला कि एंगल्स इक्वल है तो कोड भी इक्वल होंगे, ये एंगल्स इक्वल है तो कोड भी इक्वल होंगे, ये हमें बताना है। बराबर, तो चलो गिवन में क्या है, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। बराबर, ये मैंने रफ ही बनाई है बेटा। बराबर, अब प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। अब एंगल ए ओ बी जो है एंगल डी ओ सी के बराबर है तो हमें बताना है ए बी इक्वल है सी डी के। बराबर, तो अगेन जो है हम कॉन्वेंट प्रूव करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल एंड ट्राइंगल डी ओ सी। बराबर, उसमें अगेन हम क्या करेंगे, देखो ओ ए और ओ डी रेडियस, ओ बी और ओ सी रेडियस गिवन है और हमको इसमें क्या बता दिया कि एंगल ए ओ बी जो है वह एंगल डी ओ सी के बराबर है ना, ये भी हमको दिया हुआ है। तो बाय साइड एंगल, है ना, साइड एंगल जो है हमने क्या प्रूव करा कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्वेंट ट्राइंगल डी ओ सी बाय SSA रूल, या आप लिख सकते हो SAS साइड एंगल साइड रूल, दोनों चलता है। बराबर, साइड एंगल भी चलेगा और साइड एंगल साइड भी चलता है। बराबर, तो जब हमने ये कॉन्वेंट प्रूव कर दिया तो बाय सीपीसीटी AB इक्वल टू DC होगा। बराबर ना, तो ये जो है आपका थ्योरम 10.2 यहाँ पर पूरा होता है। 10